Hello everyone, welcome back to my channel BioPool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. पांच का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इट्स हार्मोनल रेगुलेशन. ये हमारी पार्ट फिफ्थ वीडियो है और अगर आपने पार्ट फोर तक वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक रिप्रोडक्टिव इवेंट है जो कि फीमेल प्राइमेट्स में होता है. हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था थोड़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्ट्रस साइकिल क्या होती हैं. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो प्रोसेस है जिसमें यूट्रस की जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज एंडोमेट्रियम वो शेड ऑफ होती है अलॉन्ग विद द ब्लड एंड टिश्यूज एवरी मंथ. और हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था ओजेनेसिस जो कि ओवेरियन साइकिल है जिसमें आपका ओवा जो है मैच्योर ओवम वो फॉर्म होता है. तो आपकी जो ओवेरियन साइकिल है और मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये दोनों कनेक्टेड हैं, ये पैरेलल इवेंट्स हैं. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे हमने पढ़ा ओजेनेसिस प्यूबर्टी में जब वो स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बट वो पॉज हो जाता है उसके बाद वो स्टार्ट वापस होता है प्यूबर्टी में. तो वैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट टाइम स्टार्ट होती है प्यूबर्टी में और फर्स्ट साइकिल को हम कहते हैं मेनार्क. और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 टू 30 डेज के एवरेज इंटरवल या टाइम पीरियड में ये रिपीट होती रहती है ये साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल टू द नेक्स्ट और इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो ये जो मेंस्ट्रुएशन है मतलब फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टू नेक्स्ट इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. अब मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज. तो जब एक फीमेल की एज 50 इयर्स जाती है तो ये साइकिल बंद हो जाती है तो तब हम इसे कहते हैं मेनोपॉज. ठीक है, मेनोपॉज पॉज मतलब रुक गई ये साइकिल. ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट साइकिल इज मेनार्क, लास्ट साइकिल इज मेनोपॉज. अब उसके बीच में जो पूरा साइक्लिक इवेंट है हम इसे साइकिल कह रहे हैं, मींस ये इवेंट बार बार रिपीट हो रहा है, हर प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहे हैं. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिवाइडेड है तीन मेन पार्ट्स में. तो जो आपका फर्स्ट है वो है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, इन विच ब्लीडिंग ऑकर्स. सेकेंड है फॉलिकुलर फेस या फिर प्रोलिफेरेटिव फेस जिसमें आपके फॉलिकल्स डेवलप होते हैं जो हमने ओजेनेसिस में पढ़ा था कि प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल तक बनता है और ओव्यूलेशन में आपका ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है. तो ये आपका फॉलिकुलर फेस है. थर्ड आपका ल्यूटल फेस या फिर सेक्रेटरी फेस. अब ल्यूटल फेज में आपका कॉर्पस ल्यूटम बनता है, जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ उसने सेकेंडरी ओसाइट रिलीज कर दिया तो जो ग्राफियन फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटम में. और सेक्रेटरी फेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज होता है. अभी हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे ओवेरियन हार्मोन और पिट्यूटरी हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं. तो आप इस डायग्राम में भी क्लियरली देख सकते हो कि 28 टू 30 डे साइकिल है. ये साइकिल पर्सन टू पर्सन डिफर करती है. कुछ लोगों में 28 टू 30 डे साइकिल होती है, कुछ फीमेल्स में 32 या 35 डे भी ये साइकिल एक्सटेंड हो जाती है. ठीक है, तो ये साइकिल में आप तीन इवेंट्स भी देख पा रहे होंगे, जो मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर फेज और ल्यूटल फेज जिसकी हमने बात की और ओव्यूलेशन उसको भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ओव्यूलेशन मेन हम 14th डे पे क्यों कहते हैं और ओव्यूलेशन डे को हम फर्टिलिटी फेज भी कह रहे हैं, मतलब ओव्यूलेशन जो पीरियड है उसे हम फर्टिलिटी फेज भी कहते हैं. तो वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे. तो जो हार्मोन्स हैं वो मेंस्ट्रुएशन को रेगुलेट करते हैं. हमारे पास पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं दो, LH और FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ओवेरियन हार्मोन हमारे पास दो हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन. तो ये चार हार्मोन मिलके पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं. अब हमने जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में भी पढ़ा कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है GnRH दैट इज गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. तो इन केस ऑफ फीमेल्स भी हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज होता है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है LH और FSH को रिलीज करने के लिए. तो LH और FSH फर्दर एक्ट करते हैं ओवरी पे, फॉलिकल्स पे और उनका डेवलपमेंट कराते हैं. तो अभी हम वो साइक्लिक इवेंट्स भी देखेंगे कि कैसे LH और FSH
स्टिमुलेट कर रहे हैं फॉलिकल डेवलपमेंट को, ओव्यूलेशन को. जो आपका ईस्ट्रोजन है वो रिलीज होता है आपके डेवलपिंग फॉलिकल से. ठीक है, तो जब हम देखेंगे कि फॉलिकुलर फेज में ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा हाई होता है क्योंकि फॉलिकल डेवलप होते हैं तो वो ईस्ट्रोजन रिलीज करते हैं. प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है आपके सेक्रेटरी फेज में या ल्यूटल फेज में, जब आपका कॉर्पस ल्यूटम बनता है. ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटम रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन और आपके डेवलपिंग फॉलिकल्स रिलीज करते हैं ईस्ट्रोजन. तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हमारे ओवेरियन हार्मोन है, LH और FSH हमारे पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं. नेक्स्ट, अब हम साइकिल देखेंगे कि साइकिल कैसे स्टार्ट होती है. जो साइकिल है, मतलब अगर हम 1 to 20 day साइकिल लेके चलते हैं, जो फर्स्ट 5 days है वो है आपका मेंस्ट्रुएशन फेज या मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है. ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या है? इट इज़ द रिजल्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूटरस, दैट इज एंडोमेट्रियम. वो ब्रेकडाउन होती है अलॉन्ग विद टिश्यूज ब्लड दैट कम आउट थ्रू द वजाइना. इसे हम वजाइनल ब्लीडिंग भी कहते हैं. तो मेंस्ट्रुएशन कब होगी ये हमने ओजेनेसिस में भी डिस्कस किया था. अगर जो रिलीज्ड सेकेंडरी ओसाइट है अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ स्पर्म, तो तब मेंस्ट्रुएशन होगी. तो मेंस्ट्रुएशन का होना इंडिकेट करता है कि द फीमेल इज़ नॉट प्रेग्नेंट, बट हमेशा ऐसा नहीं है कि अगर मेंस्ट्रुएशन बंद हो गई, ऐसा नहीं कि मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही तो प्रेगनेंसी हो गई, कंफर्म्ड है प्रेगनेंसी, ऐसा नहीं है. क्योंकि मेंस्ट्रुएशन एक फीमेल को, फीमेल की बॉडी को कई डिफरेंट तरीके से अफेक्ट करती है. अगर फीमेल स्ट्रेस्ड है, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो कई बार बॉडी को कुछ मंथ्स के लिए आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्किप हो जाती है. जब बॉडी हेल्दी होगी और आप स्ट्रेस फ्री होंगे तभी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होगी और हार्मोन्स भी बैलेंस्ड रहेंगे. क्योंकि हार्मोन्स में थोड़ी सी भी इम्बैलेंसिंग होगी तो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट होगी. वो हम आगे जो डायग्राम है उसमें देखेंगे कि कैसे हार्मोन्स का पीक पे जाते हैं, कौन सा हार्मोन कौन से फेज में ज़्यादा है और किस चीज़ को अफेक्ट कर रहा है. तो ये ध्यान रखेंगे कि लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन बी एन इंडिकेटर और मे बी एन इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी, बट नॉट ऑलवेज इट इज़ ट्रू, बिकॉज और भी फर्दर रीज़न हो सकते हैं. एग्जामिनेशन स्ट्रेस हो गया, और भी कुछ डिफरेंट स्ट्रेस हो गया, आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी जो न्यूट्रिशन, आप जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, फूड, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह से भी कई बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्किप हो जाती है. तो अब जो आपका मेंस्ट्रुअल फेज था 1 to 5 day का, उसके बाद स्टार्ट होता है आपका फॉलिकुलर फेज. तो फॉलिकुलर फेज नाम ही पता चल रहा है, फॉलिकल्स जिसमें आएंगे. तो आपके फॉलिकल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है फॉलिकुलर फेज में, जिसमें प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होता है सेकेंडरी में, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल, और इन सभी फॉलिकल्स के अंदर आपका प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट भी बनता है, जो हमने डिटेल में ओजेनेसिस में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है. तो वो प्रोसेस ओजेनेसिस हो रहा है इनसाइड द ओवरी, और आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो फेज है, ये आपका यूटराइन इवेंट्स है. तो जो आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं फॉलिकुलर फेज में. क्योंकि FSH, अभी हम ग्राफ में देखेंगे कि ये जो ग्राफ है आप देख सकते हो, पिट्यूटरी हार्मोन लेवल में FSH जो इनिशियल फर्स्ट डे है यहाँ पे वो इंक्रीज हुआ है ना, वो इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे. तो FSH बढ़ेगा तो वो फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा डेवलपमेंट में, है ना, वो इंक्रीज होता है और फिर उसका ग्राफ नीचे जा रहा है, और FSH वापस इंक्रीज होगा नियर ओव्यूलेशन डेज, जो 13, 14, 15 आप डेज देख रहे हो तब. LH देखो, LH का जो ग्राफ है वो कांस्टेंट है, वो ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है टिल फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन से 13th day तक. 13th day के बाद वो शूट अप होता है बिल्कुल 14th day पे, जिसे हम कहते हैं LH सर्ज, और वो है ओव्यूलेशन, मतलब ओव्यूलेटरी डे है, जब आपका ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा. और ये इवेंट ओवरी का है, ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ और आपका सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुआ. तो अगर LH, जब LH हाई होगा तभी ये ओव्यूलेशन होगा,
और ये LH हाई कैसे हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, ओवेरियन हॉर्मोन्स आप देख सकते हो ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन भी ओव्यूलेशन से पहले बहुत ही पीक पे गया, तो बिकॉज ऑफ हाई ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन स्टिमुलेट करता है आपकी पिट्यूटरी को रिलीज करने के लिए LH और FSH, इसीलिए आप देख सकते हो 14th डे पे LH की LH पीक पे है, दैट इज जिसे हम कहते हैं LH सर्ज। नेक्स्ट आपका आता है ल्यूटल फेज, ल्यूटल फेज जिसे हम सेक्रेटरी फेज कहते हैं। अभी हम फर्स्ट ये मान के चल रहे हैं कि स्पर्म इज नॉट प्रेजेंट, ये नॉर्मल साइकिल है जो अनमैरिड फीमेल्स में हो रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अब जो आपका सेकेंडरी ओसाइट है वो रिलीज हो गया, ठीक है, और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, फिम्ब्रेन ने कैच किया और वो आ गया आपका फेलोपियन ट्यूब में, तो सेकेंडरी ओसाइट इज सिटिंग इन द फेलोपियन ट्यूब। इफ द स्पर्म इज नॉट प्रेजेंट तो अब क्या होगा, सेकेंडरी ओसाइट धीरे धीरे यूट्रस की तरफ मूव होने लग जाएगा और वो डीजनरेट होने लग जाएगा, और इनसाइड द ओवरी जो आपका ग्राफियन फॉलिकल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटम में, और हमने पहले अभी डिस्कस किया कॉर्पस ल्यूटम के आते ही आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा, और आप देख सकते हो जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम डे 1 टू आफ्टर डे 18 या 19, जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपकी यूटेराइन जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम वो भी थिक होती जा रही है। तो हमने 11th में भी पढ़ा है कि प्रोजेस्टेरोन का मेन फंक्शन ही है टू मेंटेन द यूटेराइन लाइनिंग, ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन प्रिपेयर करता है यूटरस को फॉर द प्रेगनेंसी फॉर इम्प्लांटेशन। अगर ओव्यूलेटरी डे मतलब ओव्यूलेशन के आसपास अगर जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो वो इम्प्लांटेशन तभी तो हो पाएगा जब यूट्रस लाइनिंग थिक होगी, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन ये प्रिपेयर किया यूट्रस ने अपने आप को हाई इन द प्रेजेंस ऑफ हाई ईस्ट्रोजन, ठीक है, और हम अब और अगर स्पर्म प्रेजेंट नहीं है तो आपका सेकेंडरी ओसाइट डिग्रेड हो गया और साथ ही साथ आपका कॉर्पस ल्यूटम भी, जिसे हम कॉर्पस ल्यूटम आगे जाके बन जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स, कॉर्पस हेमोरेजिकम, तो ये सब आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे, तो यहाँ रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटम आप देख सकते हो। तो कॉर्पस ल्यूटम एक तरह का टेम्प्ररी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वो एक्ट करता है, और वो प्रोजेस्टेरॉन कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही रिलीज कर रहा है जो कि ल्यूटल फेज में है। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटम डीजनरेट हुआ आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी गिर जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे ही लोअर हुआ बॉडी में आपकी यूटेराइन लाइनिंग भी शेड ऑफ होने लग जाती है, ब्रेक ऑफ होने लगती है, जो आप देख रहे हो कि 29 के बाद वापस से नेक्स्ट साइकिल बिगिंस। तो इस तरह से आपकी पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिजाइन है, सारे हॉर्मोन्स, ओजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल यूटेराइन इवेंट्स सभी पैरेललली एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड हैं। अगर कोई भी हॉर्मोन में इम्बैलेंसिंग होगी तो आपके वो फेज इफेक्ट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इस पेज में जो भी, इस स्लाइड में जो भी मैंने लिखा है वो मैंने आपको अभी समझाया ही है। LH FSH सर्ज होता है 14th डे पे, उसे हम LH सर्ज कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के बाद सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है। जो ओव्यूलेटरी फेज है या ओव्यूलेशन है, जब आपका रिलीज हुआ सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट उस तब रिलीज हुआ और आपका ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटम बना दिया। अगर इफ स्पर्म इज प्रेजेंट तो आपका फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट फॉर्मेशन होगा। तो इसीलिए हमने जो पीछे चार्ट में भी देखा था, इसमें हम जो 9 से 15th डे है या फिर 11th से 17th डे, इसे हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं, बिकॉज फीमेल इस पीरियड में सबसे ज़्यादा फर्टाइल है और सबसे ज़्यादा चांसेस हैं फीमेल के टू कंसीव, ठीक है, क्योंकि आपका सेकेंडरी ओसाइट कहाँ पे है, इट इज़ सेकेंडरी ओसाइट इज इन द फेलोपियन ट्यूब, तो हायर चांसेस हैं टू गेट प्रेग्नेंट। नेक्स्ट, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, वो हमने डिस्कस कर लिया कि एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटम भी डीजनरेट हो जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन के फॉल ऑफ होते ही नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी।
तो ये जो अभी हमने पूरी साइकिल पढ़ी, जिसमें हमने देखा कि पिट्यूटरी हॉर्मोन्स कब कैसे रिलीज हो रहे हैं आफ्टर ओव्यूलेशन, LH और FSH दोनों का लेवल बहुत ही कम हो जाता है, ओवेरियन इवेंट्स जो ओजेनेसिस जो चल रहा है जिसमें प्राइमरी फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं, ओवेरियन हार्मोन लेवल्स देखे हमने कि ईस्ट्रोजन जब फॉलिकल जैसे से डेवलप होते हैं ईस्ट्रोजन भी हाई होता रहता है और ईस्ट्रोजन की वजह से LH सर्ज हो रहा है, फिर ईस्ट्रोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो वापस कम होने लगती है और जब नेक्स्ट साइकिल बिगिन होने वाली है तब थोड़ा ईस्ट्रोजन इंक्रीज होता है और ये इंक्रीज इसीलिए हो रहा है ताकि ये LH FSH पिट्यूटरी को सिग्नल दे सके ताकि LH FSH रिलीज हो और नेक्स्ट न्यू जो बैच है फॉलिकल्स का वो डेवलपमेंट में जाए, और प्रोजेस्टेरॉन तो सिर्फ तभी हाई होगा जब कॉर्पस ल्यूटम प्रेजेंट होगा। और यूटराइन इवेंट में भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि यूटराइन जो लाइनिंग है वो सबसे थिन है इनिशियल 1 to 5 डे में और फिर उसकी थिकनेस इंक्रीज होती जाती है लास्ट डे तक, और जब प्रोजेस्टेरॉन की जो लेवल है वो कम हो जाएगी तो आपकी वापस एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होगी। तो आप में से कंक्लूड करते हैं कि जो ओवेरियन साइकिल है वो पूरा फॉर्मेशन है मेच्योर फॉलिकल का इनसाइड द ओवरी, और मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है या मेंस्ट्रुएशन इवेंट है ये आपका यूटराइन इवेंट है जो कि पैरेललली चल रहा है आपके ओजेनेसिस के साथ। ठीक है, तो सेकेंडरी ओसाइट हमने ओजेनेसिस में डिस्कस किया था जो ओव्यूलेशन डे पे रिलीज होगा, वो मियोसिस टू के मेटाफेज टू में अरेस्टेड है और वो अपना मियोसिस टू तभी कंप्लीट करेगा जब स्पर्म प्रेजेंट होगा और एक मेच्योर ओवम डेवलप होगा। इसके अलावा ये जो पूरी साइकिल है जो लास्ट साइकिल होगी फीमेल में दैट इज मेनोपॉज। ठीक है, तो ये तीनों फेजेस आपके मेनार्क मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आपके रिप्रोडक्टिव पूरे फीमेल के रिप्रोडक्टिव फेज में होती है, फिर आता है मेनोपॉज। आफ्टर मेनोपॉज अ फीमेल कैन नॉट कंसीव बिकॉज उनके पास एग स्टोर नहीं है। हमने फर्स्ट स्लाइड में भी ये डिस्कस किया था कि फीमेल्स के पास लिमिटेड अमाउंट्स ऑफ एग्स मतलब प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं जो पूरे रिप्रोडक्टिव फेज में डेवलपमेंट में जाते हैं। तो एक फीमेल हर मंथ दोनों में से किसी एक ओवरी से एक मेच्योर जो आपका ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है और सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज होता है। तो पूरी लाइफ साइकिल में इन पूरी लाइफ साइकिल में 250 से सिर्फ 300 ही फॉलिकल्स हैं जो मेच्योर हो पाते हैं और आपका सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज होता है प्रॉपरली, क्योंकि हर बार जब हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में बैच ऑफ फॉलिकल्स रिलीज होते हैं उन बैच ऑफ फॉलिकल्स में से सिर्फ एक ही जो डोमिनेंट फॉलिकल है वही ग्राफियन बन पाता है और दूसरे फॉलिकल एट्रेशिया में चले जाते हैं। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।